आज हम बात करने वाले हैं थायराइड के बारे में। नमस्ते, मेरा नाम शुभम तोमर है, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। मैं इसमें आपको बताऊंगा कि हमें इसमें कौन से हमें योगाभ्यास करना चाहिए, कौन सा हमें प्राणायाम करना चाहिए और हमें इसमें क्या चीज खाने पीनी चाहिए ताकि हमारा जो स्वास्थ्य है वो जल्दी से जल्दी बेहतर हो। और जिसको थायराइड की समस्या है वो धनिया का पानी ले सकता है और धनिया की चटनी बनाने के बाद वो एक चम्मच चटनी को एक गिलास पानी में डाल के सुबह अगर पीता है तो वो थायराइड की समस्या में बहुत ही जल्दी आराम मिलेगा। अगर आप ये धनिया की चटनी एक महीने तक लगातार खाते हो तो आपका जो थायराइड लेवल है वो कम हो जाएगा। और इसके बाद हम करेंगे प्राणायाम और आसन। तो हमें प्राणायाम हम इसमें कौन कौन से कर सकते हैं, कपालभाति और अनुलोम विलोम हम इसमें प्राणायाम कर सकते हैं। थायराइड की समस्या में हम सर्वांगासन, उष्ट्रासन, हलासन और अर्धमस्तिंद्रियासन करते हैं और इसके साथ में हम कपालभाति प्राणायाम भी हम इसमें कर सकते हैं। तो यही है कि आपको प्रत्येक आसन को कम से कम 3 से 4 बार करना है और अपनी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग उसमें होल्ड करना है। तो आइए हम शुरुआत करते हैं। सबसे पहले इस प्रकार से हमें लेट जाना है और लेटने के बाद हमने दोनों पैरों को बेंड करेंगे और बेंड करने के बाद इस प्रकार से दोनों पैर हमें ऊपर उठाएंगे और फिर धीरे धीरे पीछे की तरफ हम इनको लेके जाएंगे और यहां से इस प्रकार से सर्वांगासन हमें करना है, ठीक है ना। इसको इंग्लिश में शोल्डर स्टैंडिंग पोजीशन भी कहते हैं। ध्यान ये रहे कि आपके टोज, हील्स, आपके बम्स और शोल्डर एक लाइन में हो और फिर धीरे धीरे दोनों घुटनों को बैंड करते हुए हमें इस प्रकार से वापस आ जाना है। इस प्रकार से हमें सर्वांगासन करना है और ये भी आसन हमें 2 से 3 बार करना है। इसके बाद करते हैं हम हलासन। हलासन इसी प्रकार से दोनों घुटनों को बैंड करके रखेंगे, दोनों हैंड्स को अपने बम्स पे पुट करेंगे और दोनों लेग को एक साथ ऊपर की तरफ इस प्रकार से उठाते हुए अपनी फिंगर से, हाथों से अपने बम्स को सपोर्ट करते हुए दोनों लेग को इस प्रकार से पीछे की तरफ लगा देंगे। ध्यान रहे कि आपके दोनों घुटने बिल्कुल सीधे हों। ये जो आसन है ये भी आपके थायराइड की समस्या के लिए, थायराइड ग्रंथि के लिए बेहद ही ज्यादा आवश्यक है और लाभकारी है। और फिर धीरे धीरे दोनों पैरों को बैंड करते हुए धीरे धीरे वापस आ जाएंगे। अब हमें यहां से करना है अर्धमस्तिंद्रियासन। वह किस प्रकार से करते हैं, सबसे पहले हमें इस प्रकार से अपने दोनों पैरों को इस प्रकार से पद्मासन में ले आएंगे, सुखासन, या हम दोनों पैर सीधे करके भी कर सकते हैं इस आसन को। तो फिर हमें इस प्रकार से धीरे धीरे हमें लेट जाना है, अपनी एल्बो की सपोर्ट करते हुए धीरे धीरे हमें लेट जाना है और लेटने के बाद ध्यान ये रहे कि आपके जो घुटने हैं वे ऊपर की तरफ नहीं उठे रहे, वो बिल्कुल मैट में टच रहे हैं। आपको यहाँ पर एक अच्छा सा खिंचाव महसूस होगा। अगर आप हर दिन योगाभ्यास करते हो तो आपको नहीं होगा, वरना आपको यहाँ पर एक खिंचाव महसूस होगा। और इसके बाद हम जब उष्ट्रासन करेंगे तो दोनों हैंड को इस प्रकार से यहाँ रखेंगे और सांस को भरते हुए अपने कंधों को ऊपर की तरफ उठाना है और गर्दन को अंदर की तरफ लेके जाना है जितना भी आप कर सकते हो और फिर यहां पर इस प्रकार से होल्ड करके रखेंगे और फिर धीरे धीरे यहां पर हमें सांस को भर के रखनी है, लेकर रखेंगे और फिर धीरे धीरे वापस की साइड आ जाएंगे। और इसके बाद हम इसमें भी कपालभाति प्राणायाम कर सकते हैं। कपालभाति प्राणायाम हमारे वजन को तो घटाता ही है और पेट की सभी समस्याओं को भी ठीक करता है, जैसे कि पेट का खराब हो जाना, खाना डाइजेस्ट नहीं होना, इन सभी समस्याओं को भी ठीक करता है और साथ में साथ शुगर की प्रॉब्लम में भी ये बहुत ज्यादा अच्छा है, होता है। जितना भी आप पीते हो उसे थोड़ा सा ज्यादा हमें कर देना चाहिए और अगर आप हल्का सा गुनगुना पानी पीते हो तो वो भी आपके शरीर के लिए बेहद ही ज्यादा आवश्यक है। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है, पसंद आई है, तो प्लीज लाइक एंड शेयर, सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्ते।